नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर औरैया से है, जहां पर सीआईएसएफ ग्राउंड पर हुआ दर्दनाक हादसा। गुब्बारे में हवा भरते समय फटा सिलेंडर, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं औरैया से, जहां पर सिलेंडर फटने से पिता की मौके पर मौत हुई। गंभीर हालत में बेटे को किया रेफर दिव्यापुर सीआईएसएफ ग्राउंड का, यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं औरैया से, जहां पर बड़ा हादसा सामने आया है। गुब्बारे में गैस भरते समय यह हादसा हुआ है, सीआईएसएफ ग्राउंड पर दर्दनाक हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से पिता की मौके पर हुई मौत, गंभीर हालत में बेटे को रेफर किया गया है दिव्यापुर सीआईएसएफ ग्राउंड का, यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैच हो रहा था वहां पर, उसी समय जो है ये जो बैलून में जो गैस गुब्बारा भरने वाला होता सिलेंडर, यहाँ पर वो फट गया, जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा और पहुंचकर जो है इसमें मोहम्मद इस्लामुद्दीन और उनका बेटा दोनों अनीस घायल हुए हैं। इनको तत्काल जो है सौसही अस्पताल चिचौली ले जाया गया, जिसमें गंभीर अवस्था में घायल मोहम्मद इस्लामुद्दीन जो है इलाज के दौरान मृत घोषित हुए हैं, और इनका बेटा जो है जो गंभीर रूप से घायल है उसको तत्काल जो है सैफे रेफर किया गया है। मृतक का जो है पंचनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उधर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने मोती झील में लगी स्वामी विवेकानंद प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश संयोजक शिवम त्रिपाठी का कहना है कि जेएनयू में हुई घटना निंदनीय है, शिक्षा के पवित्र स्थल को दूषित करने का काम किया जा रहा है। ब्राह्मणों को बार बार विदेशी बताना और अपमानित करना बौद्धिक विषय बन गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है और इससे सामाजिक तानाबाना बिगड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो विप्रवर चुप नहीं बैठेंगे। आज हम सब लोग जेएनयू दिल्ली में जिस प्रकार से हमारे विप्र भाइयों बहनों का और विप्र समाज के खिलाफ इस घिनौने वक्तव्य ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे को जिस तकाए तरीके से कुछ बेईमान लोगों ने इसको पूरे भारत में प्रचलित कर दिया है, हमारा संगठन उसका पुरजोर विरोध करता है। अपने सभी भाइयों से एक-एक न्यू वाले। उधर मथुरा में पठान फिल्म में दर्शाए गए दृश्य को लेकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने महानगर के प्रमुख चौराहे होली गेट पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने पठान फिल्म के एक गाने में दर्शाए गए दृश्यों में सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है और हुए शाहरुख खान की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर नाले में फेंकी और अपना गुस्सा जताया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि फिल्म के गाने में जानकर सनातन धर्म का अपमान किया गया है। उन्होंने फिल्म का विरोध करते हुए लोगों से फिल्म को ना देखने की अपील की है। अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन धर्म के विरोधियों को इस तरीके से उनका विरोध किया जाएगा, सनातन धर्म के प्रति कोई अगर इस तरीके से आघात करेगा तो प्रतिघात हमारा यही होगा। पठान मूवी जिसमें दीपिका पादुकोण को हिंदू है उसके बाद भी उसने भगवा रंग को बेशरम रंग बता के और इस तरीके से जो प्रदर्शन किया है, आज हमने उसको हिंदू धर्म का होते हुए भी हमने उसका मरा हुआ मान लिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसकी चिता हमने जला दी। उधर बाराबंकी जिले में रविवार को कुछ बदमाशों ने एक लड़के को खुलेआम दौड़ाकर चाकू मार दिया। खून से लथपथ लड़का अपनी जान बचाने के लिए काफी दूर तक भागता रहा, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं लड़के की हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने केस जो है दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुकांतो उर्फ प्रिंस नाम का एक लड़का है जो कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है,
इसकी शाम को एक चाय की दुकान है उसके बगल में कुछ लड़कों से विवाद हुआ जिसमें इनके बीच मारपीट हो गई, इसमें इनको चोट आई, हॉस्पिटल लाया गया और इनकी मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में कुछ संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं जिसके लिए हमारी टीम रवाना हो गई है और शीघ्र ही उनकी हम गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। तहरीर अभी प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो टीमें हमारी हैं लगातार काम अभी कर रही है। उधर मथुरा के राधाकुंड में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बता दें कि एक 5 साल की बच्ची की नाले में डूबकर मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने बताया कि वह शाम को खेलने निकली थी लेकिन देर रात तक घर नहीं आई, जिसके बाद उसकी खोजबीन की गई। अगली सुबह बच्ची का शव एक नाले में पड़ा मिला जिससे मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई जिसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पलन देख रही है जब सब इंसान भागेगा इसमें, जब बच्ची को रेत के देगी लकड़ी से तो ऊपर लिख रही है। तो क्या बच्ची कैसे डूबी इसमें पानी में? अब ये ना मालूम क्या खेलते हुए पैर फिसलने के कारण समझो ना मालूम। उधर बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय बाबूराम एमकॉम की पुण्यतिथि पर जालौन में भाजपाइयों ने एकजुट होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी स्मृति में कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग के उरई चौराहे पर निर्मित बाबूराम एमकॉम स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया। बता दें कि बाबूराम एमकॉम बुंदेलखंड में राजनीति के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं, जिनकी आज 7वीं पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उरई नगर पालिका की ओर से 24 लाख रुपये की लागत से निर्मित बाबूराम एमकॉम स्मृति द्वार का बीजेपी जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह बना ने फीता काट कर लोकार्पण किया। क्षेत्रीय आज जनपद वासियों को और भारतीय जनता पार्टी को इस गेट के माध्यम से हमारे स्वर्गीय बाबूराम दादा की हमेशा यादें ताजा बनी रहेंगी और ये उरई का प्रवेश द्वार है और इस द्वार के पास, द्वार के गेट के पास ही महाराणा प्रताप नाम के चौराहे की भी यहाँ विधायक निधि मैंने दे दी है और यहाँ उनके महाराणा प्रताप के नाम से ये चौराहे बजेगा। निश्चित रूप से मैं यहाँ के सबको बधाई देता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ आकर उन्होंने दादा बाबूराम एमकॉम को पुष्पांजलि अर्पित की है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। उधर राजधानी में अधिवक्ता कल्याण समिति ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनीष कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सड़क हादसों के अलावा दूसरे कारणों से असमय मृत्यु को प्राप्त हुए अधिवक्ता साथियों की संतानों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी गई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि रामचंद्र सिंह प्रधान ने अधिवक्ता कल्याण समिति के कार्यों की प्रशंसा की और समिति से अपने आप को जोड़ते हुए उन्होंने अधिवक्ता कल्याण समिति को अपने कल्याणकारी कार्य जारी रखने के लिए 1 लाख की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की, साथ ही सरकार से अधिक सहायता और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। तो ऐसी स्थिति में जो ये कल्याण समिति द्वारा शिखर जी जैसे हमारे वर्मा जी इन लोगों ने जो इस कल्याण समिति के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया ये और लगभग ये मुझे लगता है 28 सालों से तो इसमें मैंने भी सोचा कि भाई ऐसा काम जिसमें हम लोग भी कुछ अपना योगदान कर सकें करना चाहिए और सरकार से भी मैं मांग करूँगा। उधर लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सटे हुए शांति नगर में स्थित क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज में वार्षिकोत्सव आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के सभी कक्षाओं के छात्रों ने भाग लिया और उनके अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नृत्य और ड्रामा के माध्यम से लोगों को बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर और सरस्वती वंदना से हुई। गत वर्ष के मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र आदर्श सिंह, हिमांशु पटेल और
तुषार भारद्वाज को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समारोह को सफल बनाने के लिए छात्रों को प्रयासों की सराहना भी की, जिसमें प्रबंधक योगेंद्र सच्चान, डायरेक्टर ऋषिका सच्चान, गणमान्य अतिथियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, कर्मचारियों, छात्रों एवं अनेक अभिभावकों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को भरपूर रौनक बढ़ाया। इस मौके पर विद्यालय योगेंद्र सच्चान ने विद्यार्थियों को सदैव अनुशासित और नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि रामकृष्ण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य है, बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ खेल सांस्कृतिक शिक्षा भी आवश्यक है। स्कूल के अध्यापकों के अलावा अभिभावक भी बच्चों को ध्यान दें, धार के बच्चों भविष्य में और निखार आ सके। उधर फर्रुखाबाद में 25,000 का इनामी शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। कोतवाली कायमगंज पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की शातिर अपराधी से मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से शातिर अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस गंभीर रूप से घायल अपराधी को सीएससी कायमगंज ले गई, जहां डॉक्टरों ने गंभीर घायल को लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लोहिया अस्पताल में उपचार के दौरान घायल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधी की गोली से कोतवाली कायमगंज के उप निरीक्षक राजेश कुमार और एसओजी का सिपाही सचिन चौहान घायल हुआ है। उसको हमारी कायमगंज थाने की पुलिस के द्वारा, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, वो नहीं रुका और साथ ही साथ उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। फायरिंग में जो अभियुक्त था वो गोली लगने से घायल हुआ और उसको वहाँ से तुरंत से जो हमारा सीएससी कायमगंज है वहाँ रेफर किया गया और वहाँ से उसको रामन और लोहिया में फर्स्ट एड के बाद में रेफर किया गया था। बदायूं में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जहर खिलाकर मार डाला। आपको बता दें कि ये आरोप मृतका के परिजनों ने लगाया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी, घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और सास ससुर की तलाश जारी है। ये पूरा मामला बिसौली का बताया जा रहा है। जे हर समय पैसा मांगने की बात करते थे, कल शाम फोन किया था तो कह रहे थे मुझे 2.5 लाख रुपए दलवा लो, मैं मार दूंगा। और राहुल ने फोन किया था तो हमारी ननद बोले हमारे भैया के पास अभी तो 2.5 लाख रुपए नहीं रखे हैं, 2.5 लाख रुपए देने लायक इतने होते तो दूजिया को ही करके बैठते, पैसे नहीं थे तभी तो कर दिया दूजिया को। तब हाँ तो बोला हाँ हम नहीं माने तब मैं तुझे मार दूंगा। फिर इसने मारपीट करी हो गई, सर में चोट है। फिर उन्होंने फोन किया हमें 10 बजे। बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पर बोलेरो और ओमनी में हुई जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 1 घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। कानपुर सजेती थाना क्षेत्र जनपद हमीरपुर बॉर्डर का मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। जिसमें की सड़क हादसा देखने को मिला है हमीरपुर से, बोलेरो और ओमनी में हुई जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 1 घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, कोतवाली पुलिस जो है पहुंची है। कानपुर सजेती थाना क्षेत्र जनपद हमीरपुर बॉर्डर का ये मामला है। तस्वीर आपके सामने हमीरपुर से। और अगली बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत, 2 पुलिसकर्मी हुए गिरफ्तार।
बलवंत की थाने में पीटने से हुई थी मौत। एसओजी टीम के हैं दोनों पुलिसकर्मी। आरोपी पुलिसकर्मियों की तलाश जारी। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत, दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं और बलवंत की थाने में पीटने से मौत हुई थी, जिसके बाद एसओजी टीम के ये दोनों पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली का ये पूरा मामला है। तस्वीर आपके सामने है टेलीविजन पर कानपुर से। थाना रनिया पर पंजीकृत अपराध संख्या 30/22 जो श्री बलवंत सिंह की मृत्यु से संबंधित है, उस क्रम में अवगत कराना है कि आज दो और गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारी हुई है हेड कांस्टेबल दुर्वेश और हेड कांस्टेबल सोनू यादव की। दोनों ही तत्कालीन एसओजी में पोस्टेड थे और पूर्व में सस्पेंड कर दिए गए। महोबा से अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत की खबर है, जहां पर डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ी थी। डॉक्टरों ने पैसों की मांग करते हुए बरती लापरवाही, मृत महिला को रेफर मामला बदलवाने की कोशिश। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, अस्पताल स्टाफ पर आरोप और सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे महोबा से, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत की खबर है। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने पैसों की मांग करते हुए यहां पर लापरवाही बरती, मृत महिला को रेफर मामला दबाने की कोशिश। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, अस्पताल स्टाफ पर आरोप लगाए गए हैं, सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगा है। तस्वीर महोबा से आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार का रो रो कर लगातार बुरा हाल है। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत की खबर आप तक पहुंचा रहा है। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ी थी। खबर मथुरा से है, जहां पति ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतका के बेटे ने बताया कि मृतका निहाल देवी पिछले लगभग 10 साल से अपने बच्चों के साथ हाथरस में रहती थी, जिसका पति अवेरनी गाँव में रहता है। मृतका निहाल देवी कल अपने पति के पास अवेरनी गांव आई थी। वहीं बीती रात को सोते वक्त निहाल देवी पर उसके पति ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ सो रहे 10 वर्षीय बेटा को भी कुल्हाड़ी लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये मेरी माता जी थी। कैसे एक्सपायर हुई? जे वो कत्ल कराया है पापा ने। कैसे किया था, कैसे जी? हम तो सो रहे थे अपने कवर में, बराबर कवर में। तो एक संग हमारा छोटा भाई है, वो चिल्लाया है, उसके हाथ में भी लग गई कुल्हाड़ी। जब देखी उनके पिताजी के हाथ में लग रही थी कुल्हाड़ी, और लेकर बगल वाले कवर में सो दबक गए थे। अगली खबर का रुख करते हैं बुंदेलखंड में। किसान को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बुआई चल रही है और अन्नदाता किसान डीएपी और यूरिया के लिए सहकारी समिति और खाद विक्रय केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ कर्मचारी खाद की कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। ग्राम अठफ्रिया से आए किसान ने बताया कि रात के अंधेरे में ओवर रेटिंग कर खाद बेची जा रही है। इस पूरे मामले में जब उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जाँच के आदेश देने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया।
खाद की लेके समस्या है, यहाँ अगल बगल वाले लोग बता रहे हैं नाइट में खाद बट जाती है, कल एक ट्रक उतरा था बता रहे हैं नाइट में बट गई है, अगल बगल वाले लोग बता रहे हैं दिन में बंद रहती है, कल हम सुबह आए थे। कब से परेशान है आप खाद के लिए? काफी दिन से परेशान है, 7-8 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या खाद मिल नहीं रही है? नहीं अभी तो नहीं मिल रही, अभी फोन लगाया कह रहे आदमी बट रही है, कल लगाया था बोले कल नहीं बट रही। उधर फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बदमाश जो है पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, बदमाश की गोली से 2 सिपाही घायल हुए हैं। मृतक हिस्ट्रीशीटर पर था 25,000 का इनाम, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में हुई मुठभेड़, सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, बदमाश की गोली से 2 सिपाही हुए घायल, मृतक स्ट्रीटर पर 25,000 का इनाम था, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है, तस्वीर आपके सामने फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली, जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, बदमाश की गोली से 2 सिपाही घायल हुए हैं, मृतक हिस्ट्रीशीटर पर 25,000 का इनाम बताया जा रहा है, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। अगली बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है जहां पर ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, स्कूटी पर सवार 2 लोगों को रौंदा है, स्कूटी सवारों की मौके पर ही मौत की खबर है, जहां ढाबा से खाना खाकर जा रहे थे घर वापस, स्कूटी सवारों को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, स्कूटी पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, ढाबा से खाना खाकर घर वापस जा रहे थे स्कूटी सवारों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है, मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर स्कूटी सवारों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तस्वीर आपके सामने फर्रुखाबाद से। उधर मां विंध्यवासिनी स्वशासी मेडिकल कॉलेज में अब माइक्रोबायोलॉजी लैब खुलेगा, जिससे विशेष रोगों की जांच की सुविधा मिलेगी, डेंगू मलेरिया अर्थराइट्स और थायराइड की भी जांच हो सकेगी, अस्पताल में मरीजों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले इन जांचों का सैंपल बीएचयू और स्वरूप रानी अस्पताल भेजा जाता था, अब माइक्रोबायोलॉजी लैब का भी जल्द उद्घाटन होगा। देखिए अभी हम जो नई पैथोलॉजी अभी डेवलप की है वहाँ पर हम सेरोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी लैब का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं और इसकी मशीनें हमारी इंस्टॉल हो गई हैं और इनके जांचों से मरीजों में जो इस समय संक्रमण बीमारियाँ जो चल रही हैं चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, HIV, ये इंसेफेलाइटिस, इस टाइप की जितनी डिजीज होती है अब कहीं मतलब बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।